दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और दबाएं इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपके नाम के पहले अक्षर का आपके व्यक्तित्व पर खासा प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, अंक ज्योतिष कहता है कि जिस तरह मूलांक और भाग्यांक व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है उसी प्रकार नाम का भी काफी असर होता है। आइए जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में के से लेकर उ तक अक्षरों से शुरू होने वाले नामों के व्यक्तियों के बारे में। के अक्षर किसी को कुछ भी कह देना इनके स्वभाव में शामिल होता है। बिना कुछ सोचे समझे ये किसी को भी कुछ भी सुना देते हैं, इसलिए ऐसे लोग मुंह फट भी कहलाते हैं। केवल अपने बारे में सोचना इन्हें अच्छी तरह से आता है। अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। पैसा तो ये बहुत कमाते हैं लेकिन इन्हें इज्जत से कुछ लेना देना नहीं होता। लोग इनसे डरते हैं, इनके सामने अपनी बात कहने में हिचकिचाते हैं। ये प्रोफेशनली काफी तरक्की करते हैं लेकिन पर्सनली इनके पास लोग कम ही होते हैं। अक्सर इस नाम के लोग नामी ग्रामी बिजनेसमैन होते हैं। इन्हें जीवन में रिस्क लेना आता है, हालांकि ये देखने में काफी अच्छे होते हैं। लोग इनकी तरफ काफी आकर्षित भी होते हैं। ये भी बाहरी सुंदरता को काफी पसंद करते हैं। एल अक्षर प्यार रोमांस ही इनके लिए सब कुछ होता है। हर चीज दिल से सोचने वाले इस नाम के लोग रिश्तों को बखूबी निभाते हैं। हर दिल की धड़कन बनने की कल्पना लिए इस नाम के लोग कभी किसी को दुखी और नाराज नहीं करते हैं। एल वाले कभी किसी बड़ी चीज की तमन्ना नहीं रखते, इन्हें छोटी छोटी ही चीजों में खुशी मिलती है। ये समाज का और परिवार का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे इंसान बहुत सफल भी रहते हैं, साथ ही ये बेहद खुश रहने वाले इंसान हैं। हंसी बांटना तो जैसे इनकी आदत में शुमार होता है। ये बहुत कल्पनाशील होते हैं, इसलिए ये लोग अक्सर साहित्य के क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं। माँ लक्ष्मी भी इन पर खासा मेहरबान रहती है। एम अक्षर यह बेहद ही भावुक इंसान होते हैं, साथ ही ये संकुची प्रवृत्ति के भी होते हैं। हमेशा गहरे चिंतन में डूबा व्यक्ति कभी कभी दूसरों के लिए काफी घातक भी साबित होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी छेड़ना भी नहीं चाहिए। वैसे ये इंसान हर छोटी बड़ी बात को दिल से लगा लेते हैं। स्वभाव से ये जिद्दी भी होते हैं। ये जिस चीज को एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते भी नहीं है। हालांकि इनके ऊपर किस्मत काफी मेहरबान होती है, इसलिए धन और इज्जत इन्हें मिल ही जाती है। आमतौर पर ऐसे लोग राजनीति में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। ये अच्छे वक्ता और अच्छे लेखक भी होते हैं। एन अक्षर बेहद ही स्वतंत्र विचारों वाले ऐसे इंसान किसी की नहीं सुनते। अपनी ही धुन और दुनिया में मस्त रहने वाले लोग मन मौजी होते हैं। इनको दिखावे पर बहुत यकीन होता है। ये कब क्या करेंगे इन्हें खुद भी पता नहीं होता। ये बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाते हैं। हमेशा अपने बारे में सोचने वाली ये हर चीज को पाने की कामना रखते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। ये जरूरत से ज्यादा मुंहफट होते हैं। ये स्वार्थी भी होते हैं। ऐसे लोग वैसे तो ऊपरी तौर पर शांत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये बेहद ही आक्रामक होते हैं। ये धीमी गति से काम करना पसंद करते हैं लेकिन अपनी आलोचना इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। वैसे लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा इनके ऊपर विराजमान रहती है, इसलिए इनके पास मौलिक चीजों की कमी नहीं होती। ओ अक्षर ये इंसान बेहद ही शर्मिले किस्म के होते हैं लेकिन ऊपरी तौर पर वक्त आने पर वो ऐसे हैरत अंगेज काम भी कर जाते हैं जिसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे इंसान छुपे रुस्तम होते हैं। वैसे इस नाम के लोग बेहद ही आकर्षक होते हैं। ये बहुत ज्यादा ऊर्जावान भी होते हैं, इसलिए लोग इन्हें काफी पसंद भी करते हैं, जिसके चलते ये अक्सर ऑफिस में उच्च पदों पर भी होते हैं। प्रेम भावनाएं और रिश्ते इन लोगों के लिए काफी मायने रखते हैं, इसलिए अक्सर इस नाम के लोग प्रेम विवाह भी करते हैं और परिवार को लेकर साथ चलने वाले होते हैं। जीवन में इस नाम के लोग काफी तरक्की करते हैं। नाम पैसा शोहरत सभी इनके कदम चूमती है, इसलिए इन्हें सफल इंसान की श्रेणी में रखा जाता है। बस इनमें एक कमी होती है कि हर चीज को दिल से लगा लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।